प्रोग्राम का नाम है खौफ से आजादी। इस सरकार के प्रधान सेवक, अगर वो एक आजाद देश में आप ये बात कर रहे हैं कि हमें खौफ से आजादी चाहिए, तो उन्हें शर्म से मर जाना चाहिए। इस देश में भगत सिंह कह के गए थे कि क्या ये आजादी, हमें पूरी आजादी मिलेगी? गोरे अंग्रेज चले जाएंगे लेकिन भूरे अंग्रेज चले जाएंगे। आज वही भूरे अंग्रेज सत्ता पे, हिंदू हिंदुस्तान की घटिया बातें करने वाले सत्ता में बैठ गए हैं और इस देश को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। हमारा देश का संविधान, जो कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने लिखा है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने उस संविधान के प्रीएम्बल को कितने खूबसूरती से बनाया, इसमें एक वर्ड है सेकुलर। उस सेकुलर वर्ड और उस सेकुलरिज्म जो भारत की हिंद गंगा जमनी तहजीब की पहचान है, उसको खत्म करने का काम इस मोदी सरकार ने किया है। मोदी जी, आप तो अच्छे दिन का वादा करके गए थे, घबराइए मत, 6 महीने में मार के पूरे दिन ला देंगे। खौफ से आजादी की जब बात हो रही है, तो उसमें इस बात को रखना जरूरी है कि हम किस तरह के खौफ से आजादी की बात कर रहे हैं। आखिर ये आजाद देश में कौन सा खौफ है जिसके लिए लोगों ने अपनी जानें कुर्बान कर दी, इस देश को बनाया, लेकिन आज भी वहां खौफ है, तो वो कौन सा खौफ है? वो खौफ अखलाक का खौफ है कि उसे कुछ खाने पे लिंच नहीं कर दिया जाए। वो खौफ नजीब का खौफ है कि जब कोई बच्चा जेएनयू जैसे एमिनेंस यूनिवर्सिटी में आता है, वहां उसको लिंच ना कर दिया जाए। वो खौफ रोहित गंगला का खौफ है कि जब एक दलित और शोषित तबके का बच्चा यूनिवर्सिटी में पहुंचता है, तो उसको मार नहीं दिया जाए। हम उसी खौफ से आजादी की बात कर रहे हैं। हम अलीगढ़ का जो लड़का, जो दो लड़के जो मोटर वर्क्स में काम करते थे, उनको पुलिस उठा के ले जाती है, उनको इनकाउंटर करके मार देती है। और ये योगी सरकार जो गाय बचाने के लिए एम्बुलेंस लगा रखा है, लेकिन उनको कभी न्याय नहीं दिलाती, हम उनके खौफ की आजादी की बात कर रहे हैं। जब खौफ से आजादी की बात करेंगे, तो उसमें हम उस तमाम तरह के खौफ को, खौफ एक खौफ होता है जो हमें दिख रहा है, हमें लिंच कर दिया जाएगा, हम मुसलमान हैं तो हमें यूनिवर्सिटी से गायब कर दिया जाएगा, हम दलित हैं तो हमें मार दिया जाएगा। लेकिन एक खौफ, जो खौफ यूनिवर्सिटी में, जो इस देश के अपॉइंटेड तरह तरह के वाइस चांसलर, जो बहुत ही घटिया किस्म के हिंदुत्व के आइडियोलॉजी को लेकर घूमने वाले लोग हैं, उन लोगों ने फैलाया, हम उनके खौफ से भी आजादी की बात करते हैं। हम हर तरह के खौफ से आजादी की बात करते हैं। और जो खौफ आज यहाँ पुलिस वाले दिखा रहे हैं, कार्यक्रम मत कीजिए, ये भी एक खौफ, हम इस खौफ से भी आजादी की मांग करते हैं। फ्रीडम ऑफ राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड नो वन कैन डिलीजिट इट। आप तमाम लोग इंसाफ की लड़ाई के लेकर आगे बढ़ रहे हैं। हमारे यूनाइटेड अगेंस्ट हेट के नदीम खान, शारिक हुसैन और तमाम लोग जो मॉब लिंचिंग पे काम कर रहे हैं, हम हर तरह के खौफ से आजादी की बात करते हैं। एनआरसी का लिस्ट निकाला गया, कहा गया तुम बांग्लादेशी हो, चले जाओ। अरे तुम्हारा बिप्लब देव भी बांग्लादेशी है, उसका एनआरसी में नाम काहे नहीं है भाई? बिप्लब देव को क्यों नहीं भेजोगे? अडवाणी जी तो पाकिस्तान से आए थे, उनका एनआरसी का लिस्ट निकालो, उनको भेज दो। इस सरकार के पार्लियामेंट में आधे से ज्यादा मंत्रियों पर रेप का केस है, जो सरकार को शर्म से डूब मरना चाहिए कि ये रेपिस्टों को भर रखे हैं अपने इसमें। अब बात करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कहेगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जब बीएचयू में लड़कियों ने आंदोलन किया, तो मोदी जी बनारस गए थे, कहते हैं हमको गंगा मैया ने बुलाया। आपकी गंगा मैया, आपकी भारत माता पता नहीं कहां एग्जिस्ट करती है, दिखती नहीं है। लेकिन जो लड़कियां वहां पे प्रोटेस्ट कर रही थी सेक्सुअल हरासमेंट के खिलाफ, उन पे मोदी जी डंडा बरसाते हैं बनारस जाकर के, जो कि एक शर्म की बात है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले लोग बीएचयू में कुछ दिन पहले, जब लड़कियों ने उसी को एक साल रिमेंबर करते उस कार्यक्रम को किया, तो वहां पे अखिल भारतीय बानर परिषद के गुंडे, जो हर कैंपस में गुंडागर्दी करते हैं, अखिल भारतीय बानर परिषद के गुंडे वहां पहुंचते हैं, तोड़फोड़ करते हैं। जब एक साल पहले बीएचयू में घटना घटी, तो वहां का वाइस चांसलर कहता है कि लड़कियों को कहे की आजादी की बात है, कौन सी आजादी की बात कर रहे हैं? ओखला में भी हम देख रहे हैं फीमेल पार्टिसिपेशन काफी कम है, तो ये भी एक शर्म की बात है हमारे लिए भी, हम ऑर्गेनाइजर्स के लिए भी, कि उनकी आजादी की बात कौन करेगा? ये कहते हैं महिलाओं को कैसी आजादी भाई, जो ब्राह्मणवादी प्रथा तुमने सालों से चला रखी है, उस ब्राह्मणवादी प्रथा से हम सब आजादी मांगते हैं और उस आजादी को हम लेके रहेंगे। आप तमाम लोग ओखला के रहने वाले, मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है ओखला की वो मुसलमानों की है, लेकिन हालत क्या है भाई साहब? जाइए इलाका घूम लीजिए एक बार, यहां से जब आप निकलेंगे तो सड़कों का हालत खराब, पानी नहीं आता, ज्यादातर कॉलोनी लीगल है, उसके लिए कौन लड़ेगा? जब उसकी लड़ाई की बात आप कहीं पूछेंगे अपने इलेक्टेड से, कहेंगे हम तो हमारी सरकार ने ये किया, हमारी सरकार ने वो किया, लेकिन आपकी सरकार ने कुछ नहीं किया। मोदी जी जब देश में आए थे, तो चुनाव जीतने के लिए कहते हैं बहुत हुआ किसानों परिवार, अब की बार मोदी सरकार।
दो अक्टूबर को जब दिल्ली यूपी बॉर्डर पे किसान आते हैं, हमें दिल्ली में प्रदर्शन करना है, हमने गन्ना का असल दाम मांगते हैं, तो उनपे लाठियां बरसाते हैं और जय जवान जय किसान जैसे नारे को खोखला करने का काम इस सरकार ने किया है। हम उस किसानों पे जो खौफ है, जो जंगल में आदिवासी रहते हैं उनपे खौफ है, जो दलितों का खौफ है, जो माइनोरिटी का खौफ है, जो महिलाओं का खौफ है, हम उन तमाम खौफ से आजादी का मांग करते हैं। और आप लोगों से गुजारिश करेंगे इस मूवमेंट में जुड़िए और इस मूवमेंट को सफल बनाए। यूनाइटेड अगेंस्ट हेट कोई पार्टी का चंदा तो आ नहीं रहा है हमें, तो हमारा डोनेशन बॉक्स है, हम कुछ वॉलंटियर्स को गुजारिश करेंगे कि वो डोनेशन बॉक्स लोगों के बीच में जाए, प्लीज हमें कुछ चंदा दे ताकि हम नजीब का केस लड़ रहे हैं, हम एनआरसी के मुद्दे पे काम कर रहे हैं, हम दंगों के मुद्दे पे काम कर रहे हैं, तो उस मुद्दे को आगे ले जा सके। तमाम लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, यूनाइटेड अगेंस्ट हेट का धन्यवाद मुझे मौका देने के लिए, तमाम लोगों का शुक्रिया, शुक्रिया इनकलाब जिंदाबाद, जय भीम लाल सलाम।